मेरा 11 इयर्स ओल्ड बेटा है, उसने बोला कि कपिल जी को मेरा मैसेज भेजिए कि आप दीपिका पादुकोण जी से कब शादी कर रहे हैं, यदि आपका यदि नहीं हो पा रहा है, आई एम ग्रोइंग। कहाँ पढ़ता है आपका बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं शिखर आप? मैं अभी बीए का फर्स्ट क्लास में। अभी अभी फर्स्ट ईयर में? यस। आधा घंटा पहले किस में थे? ए, नाम तो सुना होगा। नहीं नहीं सुना भाई। सर अमिताभ बच्चन। पहले शाहरुख खान का तो करो। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो सपोर्टेड बाय चंदू। अच्छा मैं पाजी जब से इस शो में वापस आया हूँ मेरी इज्जत बड़ी हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि गरीब आदमी को जितनी भी इज्जत दो ना उसको ऐसे लगता है उसकी बेइज्जती हो रही है। ओ चंदू तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इधर डैडी को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आया। तेरे डैडी कब से हो गए? तेरा तो बापू होता था। ये रेलवे स्टेशन है? अगर एयरपोर्ट बोलता तो आपको और बुरा लगना था। आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं अपने फैन के साथ बातें कर रहा था? जो चाय पीने आते हैं वो फैन नहीं ग्राहक होते हैं, बेवकूफ आदमी। ए मैं कपिल शर्मा को एक बात बता दूं कि जो चाय पीते हैं वो कंजूस भी होते हैं। कब देंगे आप मेरे पैसे? चल काम की बात कर कोई। काम की बात तो आप करते नहीं। कितनी बार मैंने आपको कहा सरला से मेरी बात करा दो, आपने की है? अब मैंने की थी, वो नहीं मान रही। धमकी दे के देख। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैंने जहर खा लेना है। फिर कहती खा लो। तुझे अब तक खा लेना चाहिए था। पप्पू शर्मा मैं उसको दीवानों की तरह प्यार करता हूँ और ये जमाने की दीवारें मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती। चीर दूंगा आसमान को, फाड़ दूंगा जमीन को। नागर नागर नागर, एक ही बनियान तेरे पास अंदर, वो भी फाड़ के बैठ जाएगा। देखो मैंने उसके नाम का टट्टू भी गुदवाया हुआ है। टट्टू नहीं होता, टैटू होता है। और उसकी शादी कहीं और होगी तो इसका टट्टू का क्या करेगा फिर? टट्टू चेंज कर देंगे, मर थोड़े ही जाना है अब। तुझे एक बेस्ट आइडिया दूं? हाँ जी। खून से लव लेटर लिख उसको। दो खून फिर थोड़ा सा। उसके लिए मैं टमाटो केचप ना वेस्ट करूं? खून दे दो उसको, अपने खून से लिख मर। मेरे में तो पहले खून बड़ा कम है, कल मैंने ब्रश किया तो मेरे दांतों में से इतना सा खून निकला मेरे को चक्कर आ गए। एक काम करते हैं, ये रेड पेन से लिख लेता हूँ मैं। लिखवाओ, लिखना क्या है? लिख मेरी प्यारी सरला। ओ मेरी प्यारी है तो लिख तेरी प्यारी सरला। यार ये उधर से भी मेरी प्यारी हो रहा है और इधर से भी मेरी प्यारी हो रहा है, चक्कर क्या है? सही सही लिखवाओ। लिख हम सबकी प्यारी सरला। यार कपू शर्मा वो सरला है, वो कोई म्यूचुअल फंड थोड़ी है, हम सबकी प्यारी होगी। तो मर फिर अपने हिसाब से लिख देना जो लिखना है। ठीक है फिर मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ। डियर सरला, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं और आशा करते हैं कि तुम भी कुशल मंगल होगी। ये जो जिस तरीके की चिट्ठी लिख रहा है ना वो किसी कुशल मंगल के साथ ही निकल जाएगी। वो ये अपनी बुआ को चिट्ठी लिख रहा है। तू एक काम कर, तू उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दे। गिफ्ट तो मैं लेकर आया हूँ, रुको। ये देखो सोने की है। जल्दी जल्दी में मैंने पूछा नहीं। पूछा नहीं मतलब? अरे बेहोश पड़ा आदमी जवाब कैसे देगा? तुझे शर्म नहीं आई बेहोश आदमी की अंगूठी निकाल के ले आया? अपने ओरिजिनल बाप की उंगली में से अंगूठी निकाल कर लाया हूँ। ओरिजिनल बाप क्या होता है? ISI मार्क लगा तेरे बाप पे? दाना था तूने अपने बाप की अंगूठी उतार के ले आया? प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है कपिल शर्मा। चलो चल मैंने देना तेरा साथ, चल दफाओ चंदू। चंदू अब तेरा असली दोस्त आ गया। कहाँ है मेरा दोस्त? हेलो, ओ हेलो, किधर है? मैं करूंगा तेरी मदद। ओ तुझे तो खुद मदद की जरूरत है, तू मेरी मदद क्या करेगा? तू इधर को काम मांगने तो नहीं ना आया? नहीं नहीं पक्का ना? श्योर ना यार? पक्का 100%। हाँ, एक बात बता। हाँ
कप्पू से काम की बात की तूने? बाहर निकल, चल बाहर, चल बाहर निकल। एक मिनट, काम मांगने नहीं आया यहाँ पर? हाँ। देख, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वैसे ही, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं शनि इतवार के लिए एक घंटे के लिए बिजी हो जाऊँ? हमारा शो देख लिया कर। देख यार, मजाक मत किया कर। पता, आज तो मेरी बीवी ने बोल दिया मेरे को, कहती अगर तू टीवी पे नहीं आया तो घर में घुसने देना। वो बहाने लगाती है, उसे वैसे नहीं तू अच्छा लगता। ना 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 ना, कपूर शर्मा मेरी बात सुन, ऐसे नहीं कहते, ये हमारा बहुत पुराना बचपन का दोस्त है, इसे आते मना कर दिया कर फटाफट। एक तो तेरे कपड़े तेरे करेक्टर से सूट नहीं करते, कोट पैंट तो ऐसे पहन के आता है जैसे अभी 10 लाख की FD करवा गया है। ठीक है यार, तूने नहीं मदद करनी ना, मैं जाता हूँ। बात सुन इधर। नहीं नहीं, आज से मैंने तेरी शक्ल में देनी छड़। नहीं यार चंदन, यार बचपन का दोस्त है। कौन सा बचपन का दोस्त है? मेरे डैडी इसके साथ पढ़ते थे। मेरी बात सुन, तू जो कहेगा मैं कर लूंगा, इसको रख ले यार प्लीज। ठीक है, आज से चंदू की दुकान तेरी। चलो बाहर, चल चल बाहर। यार तुम भी देख लिया करो किसको रखना किसको नहीं रखना है, फटाफट मान जाते हो। बात सुनो यार, मैं आज पंडित से मिलके आया, उसने मुझे बोला है कि तेरा कोई बड़ा काम होने वाला है। आजी ये इतना वहमी है, इसको ज्योतिषी ने बोला है काले कुत्ते को 7 दिन बिस्किट खिलाने हैं तो टीवी पर आ जाएगा। कुत्ते को 1.5 महीना बिस्किट खिलाता रहा, कुत्ता हार के बोला है। वो कहता मेरे को 1.5 महीना बिस्किट खिलाते रहे हो, एक दिन चिकन खिला के देख लो, हो सकता है आपका काम बन जाए। भाजी मैं सच्ची बताऊं, जब पहली बार हमारे बोर्ड के एग्जाम हुए थे ना, तो दोनों ने मेरी कॉपी की थी। हाँ, तो तीनों फेल ही हुए थे। तो फेल हुए तो इतना बड़ा शो चला रहे हो, अगर पास हो जाते तो किसी बैंक में क्लर्क लगे होते। कॉलेज में ना इन तीनों में चॉकलेटी हीरो सिर्फ मैं ही लगता था। अच्छा, इस बात पे हम कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने हिसाब से हंस लो। और हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो बियर नहीं पीता लेकिन चखना दबा के खाता है। वो ये दोस्त है। और हर ग्रुप में ना एक ऐसा दोस्त भी होता है ना, शादी किसी की बहन की हो, कार्ड उसी ने बांट रहे हैं, ये वो दोस्त है। और देख लो, काम मैं ही करता था। अच्छा, तो मैं नहीं करता था। कपूर शर्मा बता ना यार, मैं कितना टैलेंटेड हूँ। बड़ा टैलेंटेड है, ये ऐसे अंगड़ाई लेता है ना, ऐसे 2 बल्ब उतार के जेब में डाल के निकल जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, शादी में चोरी खाना खाकर कैसे निकलना है, इसकी इन्वेंशन इसी ने की थी। जब इसकी शादी है, अपनी शादी में खाना खाकर कहता निकलो निकलो, पकड़े ना जाए कहीं। अच्छा, जब इसकी शादी हुई थी, इसके मम्मी डैड ने घोड़ी बुक की इसके लिए। झूठ बोल रहा है, गधा बुक किया था। जैसे घोड़ी आई, अपनी मम्मी को शिकायत कर रहा था, मम्मी घोड़ी बुलाने की क्या जरूरत है, आप बताओ ना। पड़ोस वालों को बुलाया तो हुआ, उसके स्कूटर में मैं एडजस्ट होकर चला जाता। और अच्छी बात यह थी, जो मर्जी इसने किया, लेकिन इसकी शादी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आई था, सारी लड़कियां मेरे आसपास। पानीपुरी का ठेला जो लगाएगा उसके आसपास ही लड़कियां आएगी। बड़ा फुर्तीला आदमी है, एक हाथ से 10-10 गोल पे रख रख। जा यार, काय सुबह सुबह आ गए, अखबार पढ़ने का टाइम। ओ यार, काफी देर होगी, तुमने काम नहीं मांगा? काम की बात में भूल ही जाता हूँ कपू। हाँ करो यार कुछ सेटिंग। देखो मेरे यहाँ पे ना हॉकी के प्लेयर आने वाले हैं, तुम लोग फटाफट जाके तैयार होके कहीं दूर निकल जाओ। देख मैं तो ना हमेशा तैयार होता हूँ, इसको बोलिए टाइम लगा था तैयार होने में। खिचड़ी 2 मिनट में तैयार हो जाती है, टाइम तो बिरयानी को लगता है कि नहीं। और जब तबीयत खराब होती है ना, काम खिचड़ी आती है। और इस खिचड़ी जैसे आदमी को गर्लफ्रेंड भी वैसी मिली थी जिसका पेट खराब रहता था। ये जाके लड़कों को रिक्वेस्ट करता था कि भाई मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे फिल्म देखने जाना, प्लीज घाघरा पहन के चल पड़ मेरे साथ। तो क्यों बता रहा है सारी दुनिया को तू घाघरा पहन के जाता था फिल्म देखने? नहीं नहीं, चलो पहनता तो था लेकिन पहन मैंने गलत टाइम पे लिया, अगर आज पहना होता ना तो बात कुछ और ही होती। एक मिनट, फोन आ गया। बाहर जाके सुनो। सरला का? हेलो, हाँ सरला, मैं चंदू के पास ही हूँ। एक मिनट को, मैं चाय रख रहा कि मैं उधर ही आ जाता हूँ। हाँ, वह चंदू मुझे आज बड़ी इज्जत दे रहा, इधर बिठा रहा। हाँ इधर इधर। हाँ नहीं नहीं नहीं, और वैसे ही चाय की दुकान है, वरना इसने बड़े पैसे जोड़े हुए हैं। ये खा लो, बातें तो होती रहेंगी। बात नहीं होनी। नहीं नहीं, और चंदू हैंडसम है, सच्ची कह रहा हूँ। नहीं नहीं, तू पास से देख लेते ना, कभी दूर से देखना, अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ तू हाँ कर, वो तैयार बैठा हो तुझे बहन बनाने के लिए। चल बाहर, चल बाहर। यार मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है तेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। ये तो मजाक था। मैं पाजी आपको बता देता हूँ, कपिल शर्मा आपको भी बता दूँ, बात मेरी सरला के साथ हो चुकी है, अभी फोन लगाता हूँ। हेलो, हाय सरल।
I love you. I love you. I love you too. थोड़ा ऊंचा बोलो ना. अच्छा कल डिनर पे चलें? कहाँ गया? वो सैनिक स्कूल के पीछे कुलचे छोले की ठेला नहीं है? I love you. I love you. सरला, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. सरला. और नेटवर्क आ रहा है पूरा उधर. ये क्या हो रहा था? अप्रैल फूल. You bloody fool! फूल बनाने का इतना शौक है तो एटलीस्ट गोभी का फूल बना लेते, रात का डिनर का इंतजाम तो हो जाता. इसे खाने की पड़ी रहती है. तुमको बहुत मजा आ रहा है ना, ये चंदू चाय वाला मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है और तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? तो और तुम्हारे साथ जस्टिन बीबर फ्लर्ट करेगा. क्या कमी इसमें? इतना अच्छा थर्ड क्लास लड़का मिल रहा है तुम्हें. यार कपू शर्मा, तुम्हारे थ्रू रिजेक्ट होने से अच्छा है मैं सेल्फ रिजेक्ट हो जाऊंगा. रिजेक्ट तो तुमको खुद को कर लेना चाहिए था. अच्छा. और मैं ठहरी कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी, तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती. कौन सा कॉन्वेंट स्कूल होता है जिसमें पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ाते हैं? और वैसे भी स्कूल में लड़कों को मुर्गा बनाते हैं, इनके स्कूल में लड़कियों को भी मुर्गी बना देते थे. झूठ बोल रहा है तू, कभी भी नहीं बनी वो, बत्तख बनती थी वो. सरला हाँ, एक बात बताऊं? बताओ. वैसे प्यार की कोई भाषा नहीं होती. तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं किसी गधे से शादी कर लूं. अरे सरला, गधे से क्यों कर रही है, मैं हूं ना. ओ यार, उसने गधा बोला, लोमड़ा थोड़ी बोला है. यार मैं तो अपने काम के लिए आया था, काम की बात हो ही नहीं रही. तुम्हारे चक्कर में मेरा काम खराब हो रहा है और तुम दोनों के चक्कर में मेरा मूड खराब हो रहा है. देखो मेरे पास एक आइडिया है. हाँ. तेरी शादी सरला से हो जाएगी, तू अस्पताल में शिफ्ट हो जा. हाँ. इसको वो दुकान दे देते हैं, क्या बोलता है? इस आइडिया से अच्छी भी चीज है मेरे पास. वेरी गुड कपू. क्या? चल अभी बाहर निकल. चल निकल. चल 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 निकल. चल निकल. गए फाइनली. कपू सोसाइटी में कोई नहीं है. झाड़ू लगा फिर. कपू यार. हाँ. कितना सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है. चलो ना, मैं भीगती हूँ, बड़ा मजा आएगा. भीग के तू बहुत गंदी लगती है, ऐसे बिल्ली के बच्चे जैसी 2.5 किलो की निकल आती है. चल चल. ना ना, तेरे तो भीगना भीगना बिल्कुल नहीं. चलो जाके अंदर रेस्ट करो, चल के मेरे मेहमान आने वाले हैं. चलो यार, किसी दिन कोई तुम्हारे मेहमान आके ना मुझे उठाकर ले जाएगा, तब तुम याद करो. मैं बड़ा खुश होऊंगा. चलो, मुझे सुनना ही नहीं आ रहा. आज हमारी सोसाइटी में हॉकी की धूम मचने वाली है, क्योंकि आज हम यहाँ इन्वाइट करने जा रहे हैं हमारी इंडियन हॉकी टीम के जांबाज खिलाड़ियों को. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा. प्लीज वेलकम सरदारा सिंह, मनप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह, आकाशदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह और उनके कोच युगराज सिंह जी का. You did a fabulous job. I like Firangi girls. But ये अंग्रेजी के चक्कर में थोड़ा रह जाता काम. बाकी you know these guys, they are pride of India. They play hockey for Indian cricket team. Yeah. Hockey players, they do so much goals. You want to say something? You can speak in my mic, baby. You want to say something? I hope you score heaps of goals. Oh, kya boli bhi? Girls, thank you so much. You made 4 chaand laga diye. Bahut bahut shukriya. Thank you so much.
एक बार हमारे तमाम प्लेयर्स के लिए जोरदार तालियां. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी ढेर सारी उपलब्धियों पे हमें बहुत गर्व है और आप हमारे भारत का गर्व है और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको अपने शो में इन्वाइट करके. पाजी आइए. तो आज आप देख रहे हैं हमारे जितने भी हॉकी प्लेयर्स आए हैं सारे ही सिंह हैं. मैं कभी कभी सोचता हूं बाजी कि जैसे क्रिकेट में कमेंट्री होती है ना कि सर नेम के हिसाब से वो कमेंट्री कर देते हैं कि रैना ने बड़ी खूबसूरत गेंद फेंकी और कोहली ने शानदार फील्डिंग की और धोनी ने किया रन आउट. इनके मामले में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कमेंट्री सुनने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले सिंह बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, पहले सिंह ने दूसरे सिंह को पास किया, दूसरे सिंह ने तीसरे सिंह को, तीसरे सिंह ने चौथे सिंह को और ये पांचवे सिंह ने किया शानदार गोल. अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता परी जब आप बॉल पास करके एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं और लास्ट में जिस बंदे के हाथ में होता है पेनल्टी कॉर्नर के पास वो जाके गोल कर देता है उसके नाम पे हो जाता है तो गुस्सा नहीं आता कि यार मेहनत तो सारे करते हैं कि तो इसको पॉइंट क्यों मिल रहे हैं, ऐसा होता है? नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है. मैं कहूंगा कि ये एक टीम गेम है जी. या तो मैं कहूंगा कि कुछ टाइम पहले ऐसा था. अच्छा जी. आदमी इंडिविजुअल उसके चक्कर में, बट मैं कहूंगा कि पिछले 3-4 साल से इन चीजों में काफी सुधार आया. मैं कहूंगा कि उसी वजह से हमारी टीम के रिजल्ट अभी अच्छे आ रहे हैं. बहुत अच्छी बात है और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं भाई. इसके पीछे क्या कारण है कि हॉकी में सबसे ज्यादा प्लेयर्स पंजाब से आते हैं? आप हरियाणा से वैसे, पर अब 4-5 पंजाबी लोग बैठे तो छठा वैसे ही पंजाबी हो जाता है, आप वैसे ही पंजाबी हो. इसके पीछे क्या कारण है भाई? देखिए मैं कहूंगा कि पंजाब एक हॉकी का गढ़ रहा है शुरू से जी. तो काफी लेजेंड हुए हैं हमारे पंजाब की धरती से. तो बिल्कुल भाजी मैं कहूंगा कि बट अभी ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर आ रहे हैं तो जो कंट्री को सर्व कर रहे हैं जी. तो ये देखिए 4-5 प्लेयर हमारे हमारे कोच साहब सब पंजाब से हैं. तो बाकी स्टेट वाले उनको आज क्यों नहीं लेके आए? आज पंजाब वाली फ्लाइट सस्ती मिल रही थी तो के लिए नहीं नहीं जो भाजी आज दरअसल आपसे मिलने के लिए ना बहुत बेचैन थे. अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया भाजी. इतने चा के साथ यहाँ पे आए ना कि आज कपिल पाजी के वहां जा रहे हैं शो में. अरे तो मतलब आज आपको अच्छा तो लग रहा होगा हम लोग यहाँ पे आए. बहुत ज्यादा अच्छा. भाई जब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है नेक्स्ट डे, उस दिन आपको आराम से नींद आती है? इतनी अच्छी नींद आती है और ऐसे आती है कि मतलब कल कुछ नहीं यार, कल तो जाएंगे और फोड़ेंगे बस. क्या बात है, यही स्पिरिट होनी चाहिए. तो जब आपको पता चला आप हमारे शो पे आ रहे हैं तो फिर आपको नींद पाजी आई ही नहीं. अच्छा देख लो सिद्धू पाजी. पाजी एक बात पूछनी थी, काफी बच्चे जो बड़े एक्साइटेड थे आपको लेकर के आप सब आ रहे हैं. हॉकी में सबसे ज्यादा कपड़े जो होता है गोलकीपर पहनता है, वो गोलकीपर वो हॉकी प्लेयर लगता ही नहीं, लगता है वो चांद पे जाने की तैयारी कर रहा है. इतना मोटा लगता है लेकिन अंदर से उतना ही निकलता है नॉर्मल आदमी 45-50 किलो का. भाई जब गोलकीपर का सिलेक्शन होता है तो किस बिहाफ पे होता है? उसको कपड़े पहना के देखते हैं, इसकी पेशेंस चेक करते हैं? बिल्कुल भाई उसको कपड़े पहना के देखते हैं पहले. अच्छा ये कपड़े पहन के चला हो सकता है कि नहीं वहां पे, क्योंकि बिना कपड़ों के तो अच्छा नहीं दिखेगा ना भाई. नहीं ज्यादा कपड़े पहनते हो. नहीं भाई इसमें ऐसा है कि गोलकीपर के रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, गोलकीपर की एजिलिटी एबिलिटी के ऊपर सब उसके टेस्ट होते हैं जी. और सबसे पहले तो उसकी नजर देखी जाती है कि सही से दिख रहा भी है कि नहीं. हाँ एक्चुअली ये भी बड़ा जरूरी है. अच्छा बाकी प्लेयर को वॉशरूम वगैरह जाना होता है सब एक मिनट के लिए बोल के जाते होंगे, एक मिनट वो अकेले होगा जो 15 मिनट बोल के जाता होगा. 7-7 मिनट तो कपड़े उतारने में और पहनने में और 1 मिनट का अपना मेन जो ऑपरेशन है. क्वार्टर भी 15 मिनट का हो गया ना, 4 क्वार्टर हो गए, 60 मिनट्स की गेम होगी. 4 क्वार्टर हो गए. पूरी बोतल कितने की? आपने पाकिस्तान टीम को 2 बार बड़े अच्छे मार्जिन से हराया, आपको बहुत बहुत बधाई. अजी हाल ही में जो आप सीरीज में खेल के आए सबसे टफेस्ट मोमेंट कौन सा था आपका? अजी जो हमने क्वार्टर फाइनल लॉस्ट किया अगेंस्ट मलेशिया. अच्छा क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3-4 साल से टीम हमारी परफॉर्म कर रही है, अभी हमारा वर्ल्ड रैंकिंग 6th है और हम उस दिन अच्छा नहीं खेले क्योंकि हम डिजर्व करते थे सेमीफाइनल के लिए. तो वो मैं कहूंगा कि एक खराब मोमेंट थी पूरी टीम. वर्ल्ड में नंबर 6 पे हमारी टीम आ गई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. भाई सबसे ज्यादा किस टीम के साथ खेलने मजा आता है आपको? पाकिस्तान के साथ. अच्छा भाई आपको सबसे ज्यादा देखने में किसके साथ मजा आता है? सेम है. अच्छा लोगों ने बोल बोल के हालांकि
एक खेल है और खेल भावना के साथ ही खेलना चाहिए, लेकिन लोगों ने बोल बोल के इतना हाइप कर देते हैं कि स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों मुल्कों के लोग जो है बड़ा बेसब्री से बैठ के देखते हैं और अपने अपनी टीम के लिए दुआएं करते हैं, और आप सबके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं और इसीलिए आपने इतना अच्छा भी खेला, आपकी मेहनत भी है। पर स्पेशली जब आप चाइना के साथ, जापान के साथ या कोरिया के साथ खेलते हैं, उस समय पता कैसे चलता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो मिडफील्डर है? भाई आप उसको क्यों बोल रहे हो? मेरा सबसे ही सवाल है, वही बताया ना। तो पता कैसे चलता है? वो तकरीबन सारे मतलब उधर 12 खेलते हैं, तभी 12 ये भी उधर से खेलता है ना, कोरियन जैसा लगता है। नहीं कोरियन नहीं लगता यार, अच्छा भला है वैसे। वही तो भाई, सभी मुझे बोलते हैं कोरियन कोरियन। अच्छा ऐसे क्यों रखा इनका नाम कोरियन? भाई जब बचपन से था तो भाई के पास ऐसे जाते थे खेलने, तो भाई वगैरह बोले कि तुम लोग, तू ना थोड़ा चाइनीज टाइप लगता है, कोरियन टाइप लगता है, ठीक है, तो इसीलिए आज के बाद हम तुझे कोरियन बोलेंगे। नहीं यार अच्छे भले। नहीं भाई इसके पीछे ऐसा है कि कोरियन जो है वो बहुत टफ है, वो अच्छा और स्पीड बहुत है, इसकी स्पीड बहुत ही शुरू से। अच्छा तो मतलब इसको मोटिवेट करने के लिए सब लोग शुरू से कोरियन इसका नाम रखा हुआ है, लेकिन अदरवाइज तो ये हमारा क्यूट सा कैप्टन है जी टीम का। क्या बात है यार, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। भाई लड़कियों के साथ मैच खेला कभी आपने? बहुत खेले हैं भाई। अच्छा हाँ जी, वो प्रैक्टिस मैच होते हैं? वो प्रैक्टिस मैच होते हैं। काफी प्रैक्टिस करते होंगे फिर तो आप सारे? हाँ भाई वो अमृतसर में आपको देखते रहे ना काफी प्रैक्टिस करते हुए। पाजी भी हॉकी खेलते रहे हैं स्कूल लेवल में। हाँ वही जितना थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके सारी चीजों में से निकाल दिया था हमें। पर जब खेल के बाद डाइनिंग एरिया में जाते हैं तो खाना मतलब सीनियरिटी के हिसाब से मिलता है कि पहले ये सीनियर प्लेयर है या ये जो मिडफील्डर है ये पहले जाएगा, या जो फॉरवर्ड प्लेयर है ये पहले जाएगा, उसके बाद में गोलकीपर जाएगा, ऐसे होता है कि सब साथ में खाते हैं? पर ये ऐसा है कि पहले तो ऐसा होता था कि जो तगड़ा है वो सबसे पहले जाता था। अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट है इंडियन टीम के लिए कि इतने डिसिप्लिन में रहते हैं ये लोग, खाना खाने सब लोग एक साथ जाएंगे भाई जी, एक ही टाइमिंग है सब, जो लेट आएगा उसको फाइन भी होता है वैसे। अच्छा और जब तक एक से लेके 18 तक हर प्लेयर खाना फिनिश नहीं कर लेता कोई भी टेबल से नहीं उठ के जा सकता। और पाजी किसी किसी समय अगर किसी मैच में हमारी टीम जीत गई है लेकिन एक प्लेयर ने किसी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया तो उसके साथ ऐसा भी होता है कि इसकी प्लेट छीन लो खाली आलू को भी देके टर खा दो, ऐसा होता था भाई? अगर ऐसा हुआ तो हरमन मर जाएगा भाई। के हरमन के ऊपर ही तीर क्यों गया आपका? जब हमारा डिनर या लंच होता है ना सबसे पहले यही जाता है और सबसे आखिरी में यही उठता है। अच्छा ऐसे क्यों हरमन? बस ये बोल रहे हैं इसलिए। भाई भूख नहीं लगती इनको, इसको भूख नहीं लगती। आपको देख के लगता, आपको नहीं लगता। फिट है यार हमारे प्लेयर। अरे एक्चुअली जब बाहर गए हैं आप कभी खेलने, मेरा ये सवाल सबसे कोई भी बोल सकता है, और मैच फिनिश हो गया उसके बाद एक आध दिन का रेस्ट है तो फॉरनर फैंस आ गई, आप सब माशाल्लाह यंग हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, तब आती हैं आपसे मिलने की यू प्लेड वेरी वेल ये वो सब है? ये डिपार्टमेंट इनके पास। सबसे ज्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशन उन्होंने दिए गए? नहीं भाई इंग्लिश हमारी भी ठीक ठाक है तो हम बात ही नहीं करते। ये बात कर लिया करो, नहीं तो उनको लगेगा कि ये थोड़े एरोगेंट हैं। हां भाई जब बोलती हैं फिर बोलती हैं जा या या। यार एक चेयर एक और लेके आओ। हमारे प्लेयर इतनी मेहनत करते हैं, कैप्टन को देखो आर्मरेस्ट पे बिठाया हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि क्रिकेट में स्लेजिंग बड़ी होती है, दूसरी टीम पे दबाव बनाने के लिए कभी कभार ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि थोड़ा इनको गुस्सा आ जाए और ये गलत शॉट मार दें। हॉकी में भी होता है ऐसा? इंटरनली काफी होता है क्योंकि आपस में इतना ज्यादा नजदीकियां रहती हैं कि आप कुछ भी बोल दो पता भी नहीं चलता किसी। क्रिकेट में तो फिर भी आप दूर दूर रहते हो बोलोगे तो पता चलेगा, लेकिन हॉकी में पता नहीं चलता है बहुत कुछ। जैसे आप कोरियन टीम के साथ खेल रहे हो, आपको तो उनकी भाषा नहीं आती, तो उनको कैसे आप फिर? नहीं नहीं उनको बोल सकते ना, इन चुआंग तो आंग। Thank you.
हेलो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी. माय सेल्फ बबली, करोल बाग से शादी कराती हूँ जी. नहीं नहीं, कार्ड लेना नहीं, मोबाइल में नंबर सेव करके कार्ड वापस कर दो. फिर आ जाओ, कहीं हमारे कैप्टन पे गिर गई, हमारी टीम ने छुट्टी कर देना. इधर आ जाओ आप. कोई नहीं, एडजस्ट हो गए हम लोग. आओ ही बैठ जाओ. हाँ जी, नहीं बैठो 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 बैठो. अरे आई आई बैठी बैठो. मतलब मैं इनके साथ बैठी, सडनली जीजू बन गए. कह रहा है, कैसे आप सब? सब बढ़िया जी. सब बढ़िया जी. मैं तो एकदम बढ़िया. और जी कैप्टन साहब, कैसे आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए. बहुत अच्छे. एक मिनट भाजी, क्या बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं? नहीं, मेरे ख्याल से सेम हाइट है ना, इसलिए. हाउ फनी यार. पर जी आप इतना घबराए हुए क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं, मतलब आप चैंपियन है भाई, तो मतलब ऐसे क्यों? मैंने देखा आपको आती हुई. बाजी आपको कोई प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैंने कभी देखा नहीं ना, एक ही सलवार सूट में दो लड़के. अबली मौसी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बस फूफा जी आपको नमस्ते करने आई थी. मैं आपका फूफा हूँ. तो मैं किस एंगल से आपकी मौसी हूँ? यू कॉल मी बबली, ओनली बबली. क्या बबली, यहाँ कैसे? बस जी, रिश्ते करवाने आए हूँ. धोख के पास लड़के आए हैं. मैंने कहा एक से एक पाजी फ्रेश रिश्ता है मेरे पास, इसके लिए ढूंढो. रिश्ता तो वैसे जमा हुआ लग रहा है. आज फिर घबरा गए आप? वैसे ऐसी बीवी हो ना किसी की, कसम से गोलकीपर की जरूरत ना पड़े. गोलकीपर को इधर उधर होना ही ना पड़े, बस खड़ा गोल नहीं हो सकता. इट्स फनी. सुनो बबली, वो शादी कराने नहीं आए, इधर इंटरव्यू देने आए. इंटरव्यू? हाँ. आए हाय कप्पू, मैं तो कहती इनका रिश्ता करवा दो. बीवी रोज ऐसे सवाल पूछेगी ना पाजी, रोज इंटरव्यू होगा. शादी करवानी है तो इनकी करवाओ, मैं तो बोलता हूँ. क्यों, ये बहुत ज्यादा खुश है? बहुत खुश रहे. अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं नहीं हुई. क्यों? So sweet यार. खैर पाजी, आपके लिए बहुत अच्छी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास. झूठ बोल रही बबली, पहले कोई रिश्ता कराया आपने? इस बंदे ने क्या कहा मुझे? पहले कोई रिश्ता करवाया कभी? ऐश्वर्या, शाहरुख, इन दोनों की शादी किसने करवाई? इन पब्लिक करोल बाग. थैंक यू. झूठ बोल रही, इन दोनों की शादी कब हुई? हाय हाय, तो मैंने कौन सा कहा, दोनों की एक साथ करवाई है. शाहरुख की कहीं करवाई है, ऐश्वर्या की कहीं. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फोन आ गया जरा. हेलो, हाँ निमो, रॉकी वाले आए. नहीं नहीं, पिंक शर्ट वाले ज्यादा बोल रहे, हॉकी चुप्पी है. काम की बात कर. क्या दुल्हन फेरों में से भाग गई? कहता बेड़ा गर्क. सुनो, इसकी ना बिना मेकअप वाली फोटो सोशल मीडिया पे डाल दो, फिर जिसके साथ भागी है ना वही लड़का कान पकड़ के खींच के लेकर आएगा वापस इसको. देखो भी कैप्टन साहब, आजकल के लड़के लड़कियां भाग के शादी करी जा रहे हैं, हमारा तो धंधा चौपट हो रहा है ना. प्लीज आप मुझे जाते वक्त एक हॉकी गिफ्ट करके जाओगे? लड़का चाहिए आपको जी? लड़का नहीं, हॉकी चाहिए. लड़का नहीं, तुसी भी ना. वैसे आप कहाँ से हो? मैं जलंधर से. अमृतसर? अरे पड़ोसी है. अमृतसर गए हो कभी? आप भी ना कैप्टन साहब, आपको कुछ नहीं कहूंगी मैं. कुछ नहीं कहूंगी. चलिए मेन बात पे आते हैं, रिश्तों की बात पे. हाँ, कैसी लड़की चाहिए आपको? आपके पास कैसी है? मेरे पास चेक वाली, प्रिंटेड, फूलों वाली, चिकन में, क्रश मटेरियल में. आज मैं साड़ियाँ थोड़ी बेचने आई हूँ. आपके पास कैसी, बताओ उसे. बहुत ज्यादा बाजी सुशील लड़की एकदम. आप पता कर लेना बाजी, कहीं सुशील को ना साड़ी पहना के ले आई. आपको भी पता, पूरी दुनिया को भी पता कि लड़कों को यहाँ कौन साड़ी पहनाता है. आपको भाजी मैंने कुछ नहीं कहना, ना डरो. ये बबली जी दरअसल यही चाहता है कि सबसे पहले रिश्ता इसी को. ऐसे लोग होते सीधा शादी वाले दिन ही बोलते हैं. पहले चुप ही रहते हैं. बिल्कुल, जो इतना शर्माते हैं ना शादी वाली रात, कहते हो दो दिन ही रखा कहने. हाँ हाँ, शर्मा रहा है.
पूछ लेती हूँ, हाँ एज कितनी है? 24. 24. बत्ती चलेगी? नहीं, कितने साल की लड़की चाहिए? मतलब कटोकट 40 चलूंगी. नहीं पाजी, उनको बीवी चाहिए, भूआ थोड़ी. क्या मैं बाद में करती, लड़का शर्मा ही जा रहा है. बहुत सुंदर सुंदर, मतलब एकदम घरेलू लड़कियां है पाजी. तो बुलाओ तो सही, पहले मुंह तो मीठा करो. पहले रिश्ता होता फिर मुंह मीठा करवाते. नहीं नहीं, रिश्ता ना हुआ हमारे तो लड्डू का नुकसान हो जाएगा ना. अच्छा बताइए, आप इतना क्यों हंस रहे हैं? मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए हंस रहा हूं. तो मतलब बाकी किसी का नहीं है? मैं बाकी का. अच्छा मतलब आप इस साल शादी कर लेंगे? इस साल नहीं, दोनों की करवा दो. इस साल तो बाल लगवाने की सोच रहे हैं. चलिए कोई बात नहीं बाजी, बीवी भी आ जाएगी और बाल भी आ जाएंगे. लड़की तो बुलाओ. चलो बुला लेते हैं. सरलू, सरला, बतख जैसी लड़की बाजी देना, आते ही आपकी हंसी निकल जाएगी. नमस्ते 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 बेटा. फुट टच करो. नहीं नहीं, फिर जूते उतार लेती है ध्यान से. बेटा मुझे चाय बनाई है ना, लेकर आओ. और हाँ, GST भी लेकर आना, खिलाओ इनको जरा. उन्होंने किस चीज का टैक्स देना, भी उन्होंने क्या लिया? ओह माय गॉड, तानू मैं कुछ नहीं कहना. GST का मतलब है ग्रिल सैंडविच टोस्ट. अरे रहने दीजिए मौसी. मेरा मतलब दीदी, जिनकी पहले से वैट लगी हो उन्हें GST का क्या पता होगा. देखा जुगराज जी, लड़की कैसे ईंट का जवाब पत्थर से देती है. इसके लिए तो यही लड़का सही रहेगा. पगड़ी मैचिंग है. हाँ तू रंग दे ले. और आपको पता फायदा भी ऐसी बीवी का, आप हॉकी वॉकी खेल के आए थके, अपना भी तो टाइम पास करना होता ना. पत्ते बड़ा अच्छा खेलती है, आओ भाई आए. खैर चलो बाजी, बड़ी संस्कारी लड़की है. मैं तो कहती हूँ अभी के अभी कुंडलियां मिला लो, हाय 36 के 36 गुण मिलेंगे. हाँ एक बार तो तलाशी ली इनके घर की, कटोरियां और चम्मच भी मिले थे, गुण नहीं मिलते इनके. कपूर तुम कब तक कटोरी और चम्मच ढूंढते रहोगे? हाँ कभी तो दिल भी ढूंढ लिया करो. ये तो मामला गड़बड़ है भाजी. मामला भाजी पूरा गड़बड़ है, कुड़ी ने नहीं सुधरना. मैं इसके लिए बिरयानी देख रही हूँ, खिचड़ी पे डुली हुई है. देखो इनकी शादी तो नहीं हो सकती, इनकी तो हॉकी इनसे लंबी होती है. ओ कप्पू बेबी, ये लड़की देखने आए हैं, हॉकी के लिए लकड़ी थोड़ी है ना. लड़की बड़ी संस्कारी जी. बहुत नहीं नहीं, साडा मुंडा भी बड़ा संस्कारी है जी. जो ऐसे चुप लोग होते हैं ना, एक सेंटर में जाकर एक्चुअली होता है, होता है सारा ही पता है. पता है ना जो सबसे ज्यादा शांत होता है ना, ऐसे होता है. शादी होगी ना, सारे रिश्तेदार गए, फिर करते हैं और कोई नहीं है अभी. देखो पाजी, ये लड़की हमारी बहुत संस्कारी है और बहुत मेहनती है. आप इसके सर पे थोड़ी सी रुई लगाओ, पैरों पे लगाओ एयरबड. ये ना सिर्फ देखने का नजरिया है पाजी, इन्हें लगता है कि मैं ईयरबर्ड हूँ, अब बाकी लोगों को लगता है कि हम उनके लव बर्ड हैं. तो बस कपिल भाजी, दोनों को साथ में खड़े करके तो देखें कैसी जोड़ी लगती है. तुम्हारा अपना मंत्री कर रहा है. पाजी वैसे एक जनता की डिमांड है, पर साथ में खड़े हो. साथ में दो. आओ ना जीजू, उठो ना प्लीज. ठीक है जी, क्या जोड़ी लग रही है यार. जी ऐसे लग रहा है कि जाट ने छप्पड़ तो ने ऐसे बतक निकाला हुआ. आई आई, अरे नहीं नहीं, लड़की बड़ी संस्कारी, सारा घर का काम जानती है. जानती भाई, सोचो कुछ इसके बारे में. हाँ हाँ, और शादी के बाद सब्जियां मैं बना लूंगी, आप बस रोटी बना लीजिएगा. क्यों रोटियां बनाएंगे, ढाबे पे लगे हैं ढाबे. नहीं वो क्या है ना, वो मुझसे रोटी ना चकोर बन जाती है. आप चकोर बनाइए, गोलियां खुद कर लेंगे. देखो बाजी, हॉकी की बहुत बड़ी फैन है. आपको पता है जहाँ भी आपका मैच होता था ना, ट्रक के पीछे लटक के जाती, नंगे पैर पहले पहुंच जाती थी. है ना फैन है ना बेटा. कौन सा मैच देखा बताइए? ओ अजलान शाह कप देखने गई थी, वो भी इसने कप सुना तो कप और प्लेट का सुनते ना ये लोग निकल जाते हैं, इनको लगता है शायद खाने पीने का सामान मिलता है. दीदी मुझे लग रहा है ना कुछ जलने की बू आ रही है. एक मिनट, तुमने गैस पे दाल तो नहीं रखी थी? अरे जल गई वो,
बेटे मुझ तेरा दफा हो यहाँ से। अच्छा कुकर जानबूझ के नहीं बंद करती, सीटियां बड़ी एंजॉय करती है, चलो कोई तो मार रहा है। आज तूने कहा नहीं मेरे दादाजी बड़े बहुत बड़े हॉकी हैं। वो हॉकी नहीं, हॉकी प्लेयर थे। और पता है ध्यानचंद जी ने खुद अपनी हॉकी उन्हें दी थी। ये भी तो बता कहाँ दी थी, इधर दी थी उन्होंने। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे खानदान से, बोलो क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा मुंह बिगाड़ दिया ना उन्होंने। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, तुम फालतू में खामखा बात बिगाड़ देते हो। दीदी अच्छा सरला बात तो सुन, इधर तबीयत ठीक नहीं सरला की, इधर कम है क्या? अरे छोटे चूजे, तबीयत ठीक नहीं है बच्चे की। शाबाश, मैं जाऊं? जा, अंडे की पीली जर्दी जा। यार चुप तो रुको, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। पाजी आप में से कितने लोग हैं जो पुलिस में हैं? इसे छोड़ के सब पुलिस वाले ही। अच्छा तो आपका इंटरेस्ट किस में है? मैं बीपीसीएल में हूँ। अरे जितने प्लेयर्स हैं वो तो चलो पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, जो रेफरी होते हैं जो सीटी बजाते रहते हैं इशारे भी करते हैं, उनको फिर ट्रैफिक पुलिस में रखते हैं। है ये कैसे? हमारे एक इंटरनेशनल अंपायर हैं। अच्छा जी, वो पुलिस की जॉब करते हैं, आई थिंक वर्ल्ड के जो टॉप 6 और 8 अंपायर्स हैं उनमें वो आते हैं। अच्छा जी, तो ये बड़े ही प्राउड की बात है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, पंजाब के लिए। मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप फटाफट बताइएगा। जब मैच खेलने इंडिया से बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा लड़कियों पे ध्यान किसका रहता है? कहीं देखने की जरूरत नहीं है। कैप्टन भाई आपको लगता है? हाँ शरारती तो है ही। जुराबों में सबसे ज्यादा स्मेल किसकी आती है? क्यों ऐसे की मोटी जुराबे पहनते हो? हाँ जी उतारते नहीं, एक एक हफ्ता सेम ही धोते नहीं भाई। वो भाई टाइम ही नहीं होता ना, प्रैक्टिस करके आए खाया पिया वैसे ही सो गए, सुबह उठे खाया पिया वैसे ही चल दिए। सबसे ज्यादा सोता कौन है? कहीं और देखने की जरूरत नहीं भाई। है पाजी किसी का नहीं, नहीं पाजी जैसे ऐसे एज बढ़ रही है अभी अगर आपको अच्छा खेलना है तो मेरे ख्याल से रिकवरी सोना जरूरी है। चलिए अच्छी बात है। वॉशरूम में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? ध्यान से देखिए। है कैप्टन? भाई ज्यादा टाइम लग जाता है थोड़ा सा। क्या क्रिएटिविटी ऐसी होती है बाथरूम में? पर ये अगर बिना फोन के गया ना तो फिर थोड़ा कम लगता है, अगर फोन के साथ जाता है फिर ज्यादा लग जाता है भाई। एक्चुअली बंदा ईमानदार है। अरे चक दे इंडिया आप सबने देखी है, उसमें शाहरुख खान जो होते हैं वो कोच का किरदार निभा रहे होते हैं, बड़ा उनका पॉपुलर डायलॉग था एक, 70 मिनट है तुम्हारे पास। भाजी आप तो असली टीम के कोच हो, मैं चाहता हूँ आज आपके मुंह से वो डायलॉग सुने भाजी। हाँ जी हाँ जी प्लीज। हाँ हॉकी भी दे दीजिए, अच्छी बात है। आओ हाँ बजट है हमारा, लेंगे। आज देखते हैं असली कोच का स्टाइल कैसा है। सत्तर मिनट हैं आपके पास, शायद आपकी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज आप चाहे अच्छा खेलो चाहे बुरा खेलो, ये 70 मिनट आपको हमेशा याद रहेंगे और जिंदगी भर याद रहेगी। आज मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप कैसे खेलेंगे, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जाओ जी भर के खेलो, क्योंकि आज के बाद ये 70 मिनट आपकी जिंदगी में से आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या बात है, इतने मल्टी टैलेंटेड बंदे यार, जोरदार तालियां युवराज जी के लिए। अच्छा पाजी मैं आपको अलग अलग फिल्मों में से ना हमारे जो बॉलीवुड के पुलिस वाले हैं उनके डायलॉग देता हूँ, आपका जो दिल करे। सरदारा पाजी आपसे शुरू करते हैं। अच्छा वांटेड सलमान खान है पाजी? हाँ जी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट करती उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो फिर किसकी सुनते? ओ साहब की। आपके लिए कि जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाँ जब तक बैठने को ना कहा जाए वो प्रवचन दे रहे हैं।
हाँ जी, जब तक बैठने को ना कहा जाए चापस से खड़े रहो जो तुम्हारे अरे बोलना पूरा ही है, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। चल एक करीब ट्राई कर दे। हाँ जी हाँ जी प्लीज। तो बता को अरे बांध रखियो। जब तक बैठने को ना कहा जाए चापस से खड़े रहो। अरे बांध रखो। सीरियसली बांध रखो यार। जब तक बैठने को ना कहा जाए चापस से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आकाश आपके लिए दबंग फिल्म से सलमान खान का डायलॉग। हम तुम्हें इतने शेद करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहां से ले और पादे कहां से। अच्छा हमारा कैप्टन शरारती है तो इनसे कुछ रोमांटिक करवाते हैं। अगर कोई मेरी मोहतरमा बहन कोई आए कोई इनका साथ देने के लिए। जी प्लीज। पर ये तो कब से वेट कर रहा था। मनप्रीत तेरी आंखों हैं, बोलना क्या है वही तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। मैं बोलूं पीछे पीछे आप करोगे? हाँ। आपका क्या नाम है? मोनिका। मोनिका मैं मनप्रीत आपके लिए डायलॉग बोलेंगे, रोमांटिक डायलॉग है कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। आपके चाचे का बेटा है, लड़की है, दोनों हाथ पकड़ के। आंखों में आंखें डाल के। ओए होए। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां। नहीं भूलूंगा मैं, नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। अच्छा ये हमें पता था मनप्रीत शरारती है, करी लेगा। जो मेन ये जो चक्रव्यूह रचा गया था वो रचा गया था आकाशदीप के लिए। आइए। अच्छा आपका दिल चाहे तो आप अपनी तरफ से भी कुछ कुछ बोल नहीं, सकते हैं। आप बोलो, आपके पीछे। अच्छा मैं पीछे पीछे, ठीक है। हाथ हाथ पकड़ के। सॉरी मांगला भाई ना। ओ आकाश। दसु भाई। और आकाश दोनों हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के मेरी तरफ ही देखना। मैं इधर था ताकि आप मेरी तरफ भी देखें। मैं छुप जाता हूँ। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। भाई कपिल भाई आपको बोल रहा है। भाई आप ही कर लो। भाई आपका हाथ पकड़ के अच्छे से कर लेगा लग रहा है। भाई और फील के साथ हमने नमकीन लस्सी नहीं ऑर्डर करनी, एक नमकीन लस्सी। मैं आपके पीछे आता हूँ। भाजी तुझे आपने उनकी आंखों में देखना है। ठीक है। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां। नहीं भूलूंगा मैं, नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। अब जा मेरी माँ। थैंक यू मोनिका। हमारी टीम बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ हॉकी नहीं जी जान से खेलते, सब काम कर लेते हैं। भाजी हमारे जो दर्शक हैं हमेशा हम लोग हमारे जो भी मेहमान आते हैं उनसे उनकी बातचीत करवाते हैं, जो भी आपका दिल करे, जो भी आप कहना चाहें पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जी सर मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। अच्छा राठौर, यहाँ पे बरखा माहौल ही चल रहा है मुंबई में, बड़े सही टाइम पे आई हैं आप। यस बरखा क्या कहना चाहती हैं आप? मैं आकाश सर के साथ थोड़ा सा डांस करना चाहूंगी। प्लीज प्लीज। देखा है कि वो ना बंदा चुपचाप बैठा रहे भूला भाला। उसका
भाई बरखा बाहर छा जाओ। सुपर, अब आकाश ने इतना डांस कर लिया मतलब इससे बढ़ के। थैंक यू सो मच बरखा। आकाश ईपी चेक करवाना जी। और कोई हमारे दोस्त? यस हेलो कपिल शर्मा जी सर। हेलो, वो मेरा इतना लंबा नाम किसने लिया आज तक? हेलो कपिल शर्मा जी, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ सबके सामने। मैंने हॉकी के बारे में जी एकांकिका तैयार की है। क्या तैयार किया? सभी को बताने वाला हूँ। एकांकी? अच्छा, हाँ एकांकी का वक्रत्व। नहीं, वो एकांकी बोलते हैं ना उसको तो। नहीं सर, एकांकी पीछे क्या है? अच्छा जी, प्लीज आइए, जरा यहाँ पे आइए आइए। खेल, खेल, अच्छा खेल। कितने करेक्टर इसमें? दो लड़के और एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की। तो लड़के का लड़के के जैसे बोलो और लड़की का लड़की के जैसे, थोड़ा एक्टिंग करके हैं। ओके जी। खेल खेल में खेलो साथी, खेल खेल में खेल, खेल 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 में खेलो साथी, खेल खेल में खेल। क्या खेल खेल लगा के रखा है क्या इस खेल में? क्या खेल खेल कर रहे हो? अरे आपको मालूम नहीं हम लोग खेल खेल रहे हैं? कौन सा खेल? अरे वो खेल आपको पता है, हॉकी। अभी अभी लड़कियों हॉकी खेलने आती है। नहीं, ऐसे कौन सी हॉकी खेलते भाजी? अभी लड़की के हॉकी खेलने के बाद लड़की आगे जाती है लड़कों के बीच। लड़की हॉकी खेलने के बाद लड़कों के बीच जाती है? हाँ, वो खेल खेलने के लिए। खेल खेलने के लिए? हाँ। अरे ओ भाई, अरे ओ भाई, मुझे भी खेल खेलना है। ये कौन बोलता है? लड़की। पर लड़की तो ऑलरेडी खेल रही है ना? तो वो हॉकी का खेल खेलती रहती है, खेलने के बाद वो फिर लड़कों में जाते हैं, उनका मन तो है लड़कों के साथ खेले। अच्छा। अरे ओ भाई, अरे ओ भाई, मुझे भी खेल खेलना है आपके साथ। अरे तू तू हमारे साथ खेल खेलेगी? क्यों हंस रहे हो? क्या लड़की लड़कों के साथ खेल नहीं सकती? क्यों नहीं खेलेंगे हम? खेलेंगे हम, क्यों नहीं खेले? फिर नेक्स्ट डायलॉग का है, आज हमारे देश में लड़कियां ही ओलंपिक में जाकर जीत रही है, अपना देश का नाम रोशन कर रही है, लड़कियां ही आगे बढ़ रही है। आओ शेखर इधर आओ ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बड़े प्यारे इंसान हो आप यार। अरे गुदगुदी होती है शेखर, तुम इतने सीरियस क्यों हो? क्या करते हो शेखर आप? मैं कॉलेज पढ़ता हूँ। अच्छा। और मुझे एक्टिंग की आवड है। एक्टिंग करते हैं आप कॉलेज में? हाँ, करता हूँ। तो कोई रोकता नहीं आपको जब आप करते हैं? ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त? जी ब्रदर। हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो ऑल हॉकी टीम, यू ऑल मेक अस प्राउड, होल कंट्री प्राउड, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग। हाँ जी, गाना गाना चाहते हैं हम। पहले इंग्लिश में बोलो जैसे पहले बोलो। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर होल। व्हिच सॉन्ग यू वांट टू सिंग? पाजी, ओ पाजी। ए, जब कोई मेरे को मेरे जैसा दिखे ना, मैं बड़ा हाथ खोलता उसके साथ। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग यू वांट टू सिंग सर? इज इट फ्रॉम बॉलीवुड मूवी? यस सर, चक दे इंडिया। से इन इंग्लिश सर। दिस इज इंडिया इज अ इंग्लिश वर्ड। पहले इंग्लिश क्यों बोली थी? Okay, let's talk in English. So, which song is your favorite song? My favorite song is Channa Media. Channa Media. And why you want to sing from Chak De movie? Sir, because here's a hockey team.
whole hockey team, so that's why I want to sing. Because they are hockey team? Yes, sir. Okay. Can I start? Yeah, yeah, please. And there's a one shart. You have to sing this song in English only. So I can't, as no as I can't sing it in English. अरे चकते इंडिया का गाना सुनाना चाहते हैं yes, कौन सा वाला मौला में ले में दी जाऊं क्यों हमारे भाई जीत के आए हैं ऐसा गाना क्यों why sad song come on bro let me know why so I because I love it I love this song okay any other reason nothing where are you from just from MP which part of MP पन्ना and what about हीरा I want to sing a song. What do you do? So I'm a student. Okay, what are you studying? So I'm modern office management. Oh wow, it's interesting. Okay, modern, I mean, what is there in modern business management? So this is nothing. So I want to sing a song. Please. No, no, you know what? I just enjoying talking with you. But I'm not. now I'm enjoying more. आप बड़े interesting हो. क्या नाम है आपका? शुभेन चौलसिया. शुभेन, बहुत-बहुत शुक्रिया शुभेन. बड़े मजेदार हैं आप. Thank you sir. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. Hello कपिल सर. सर मेरा नाम करण है. मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ. हम गुड़गांव से आए हैं. अच्छा. तो हम भी पंजाबी हैं हमारी पूरी आज टीम भी पंजाब से है तो हम इनके साथ एक भंगड़ा करना चाहते हैं आजो भाजी आजो भाजी भी पंजाबी हैं वैसे आप बॉम्बे वाले लगते हैं जी भी करेंगे सारा गुड़गांव आपका गुड़ हिल रहा था पूरा ही बहुत अच्छा डांस किया आप लोगों ने थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू हाय 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 नमस्ते 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 मैं हूँ बम्पर दीपप्रीत झूठ की बोली तेरा ना बम्पर है दीपप्रीत कैसे लगा लिया तूने नहीं 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 वो हॉकी के लिए लगाना पड़ता है देखिए ना आकाशदीप रमनदीप मनप्रीत हरमनप्रीत लगाया नहीं ना लगाना ही पड़ता है वाओ आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हो रही है क्या प्लेयर्स है आप वाओ ये विजय कोच सर आपसे एक बात जानना चाह रही थी मैं ये हॉकी में देखती हूँ कैसे खेलते हैं ना ऐसे पूरा मैंने एकदम गौर से देखा है मेरे को समझ में आ गया पूरा गेम मतलब ऐसे होता है ना मुझे खाली एक बात जाननी है कि अपने जो गोलकीपर होते हैं वो हेलमेट क्यों पहनते हैं कभी स्कूटर चलाते हुए तो देखा नहीं उन्हें पर वो गोल रोकने के लिए है हाँ इस तरह गोल नहीं रुकता है क्यों मैं आपको बता रही हूँ मेरे मम्मी पापा ने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं गोल हो ही गई आपको पता है सच तो ये कि ना सर मेरे पापा का सपना था कि मेरी शादी ना किसी हॉकी प्लेयर से हो लेकिन ऐसा हो ना पा सका क्यों ना हो पा सका
वो क्योंकि मेरे पापा को किसी ने नींद से जगा दिया ना, तो सपना टूट गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करती हूँ, तो मैं भी सोई। फिर लेकिन मुझे कोई सपना आया ही नहीं। मैंने कहा छोड़ो, सपना नहीं आ रहा तो भाड़ में जाए, सपना नींद तो पूरी कर ले। फिर मैं सोई, लंबे टाइम तक सोती रही। वैसे कैप्टन सर, आपसे एक और बात जानना था कि ये जो अपनी हॉकी स्टिक है, ये मेल है कि फीमेल? अगर लड़की पकड़े तो फीमेल है, अगर लड़का पकड़े तो मेल है। आज आपने ये बहुमूल्य बात बता के मेरी आंखें खोल दी। खुल गई ना, देखा? वाह। हम पर हॉकी के बारे में फालतू सवाल क्यों पूछ रही है? मैं फालतू सवाल नहीं पूछ रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना सर, मैं आपको सच सच बताती हूँ। हो क्या रहा है कि मैं अपनी खुद का ना एक हॉकी टूर्नामेंट शुरू कर रही हूँ। इसका नाम है BPL, बम्पर प्रीमियर लीग। बम्पर, बम्पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर मरीज मर रहा है। जाने वाले को कौन रोक सकता है? ऊपर वाला। तुम कैसी नर्स हो? खूबसूरत। अंदर पेशेंट का पेट खुला हुआ है। तो मैंने ही खोला है, उसने चीटिंग की मेरे साथ। पता है मुझसे कह रहा था कि बम्पर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं खोल के देखूंगा। मैंने खोल के देखा, उसका दिल उसी के पास था। चीटर झूठ बोलता है, मैं नहीं उसको बंद करने वाली, खुला पड़ा रहे उसको। बम्पर तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दूंगी। हाँ तो निकाल दो, वैसे भी हॉस्पिटल में मेरा कोई खास काम नहीं है। मेरा मेन काम यही है, मेरा फेवरेट फूड दही है। कप्पू शर्मा सही है? नहीं है। तू अभी तक यही है? कप्पू शर्मा। हाँ जी। आपको पता है कि 29 फरवरी 4 साल में एक बार क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हर साल वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम बड़ी स्वीट नवंबर हो ना, जो सब तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम यहाँ पर बीच में घुस क्यों रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर हम हॉकी का अखिल भारतीय सम्मेलन चल रहा है हमारा? तुम्हारा हॉकी से क्या लेना देना है? नहीं, लेना मेरा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरह बड़बड़ 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 करती रही ना, तो देना जरूर हो सकता है। ओह गॉड, धीरे धीरे, जरा मुझे टिकल भी होता है। हेलो। हाँ अच्छा, मैं आपसे आके मिलती हूँ ना, आप रुक जाइए। मेरा थोड़ा जरूरी काम आ गया, तो मुझे जाना होगा। ओके, लेकिन आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई मुझे। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। अच्छा, हम लोग ना पाजी एक फोन गिफ्ट करते हैं हमारे दर्शकों में से किसी भी एक को। आपको जिनसे मिलके ज्यादा मजा आया हो आप बता सकते हैं। यही थे उनको। बिंदु आओ, आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है। कम एक बार हमारी इंडियन हॉकी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। आ जाओ पाजी। पाजी आप सब लोग आज हमारे इस मंच पे आए, बहुत ही अच्छा लगा। पाजी एक सेल्फी आप सब लोगों के साथ हो जाए। आइए सर। थैंक यू। और एक सबका ऑटोग्राफ। पाजी आप सबका ऑटोग्राफ अगर इस पे। थैंक यू ब्रदर। तालियां जोरदार होनी चाहिए। भाजी हमारे एक आर्टिस्ट हैं, आज उनका बर्थडे है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारती का। भारती
और एक बार हमारी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाजी आने वाले तमाम मैचेस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप ऐसे ही हमें प्राउड फील करवाते रहें। ऑल द बेस्ट एंड वी लव यू। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग भी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.